आंटी बड़ी ड्रामा क्वीन है, इतनी डिट्टो कॉपी किसी ने नहीं की जो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। आज की जो वीडियो है ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और इसका रीजन ये है कि कॉपीकैट अलर्ट, कॉन्ट्रोवर्सी लाओ और चैनल चमकाओ। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी, एक ऐसा व्लॉग देखा जो मेरी नजरों से गुजरा कल परसों, जिसे मैंने ये देखा कि एक खातून सितारा यासीन की डिट्टो कॉपी लेकर आई है, तो पूरी तरह से सितारा यासीन की स्टोरी को लेकर चल रही है, और लिटरली उन्होंने थंबनेल भी सितारा यासीन वाले लगाए हुए थे कि जो थंबनेल्स थे ना, सेकंड वाइफ का फर्नीचर आ गया, ये सब कुछ वो थंबनेल सब कॉपी कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आई, किसी के रियल लाइफ को आपने देखा कि एक बंदा सक्सेसफुल हो गया तो उसको देख के सबके सब ये शुरू हो गए। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जो सेकंड फाइव वाला कंटेंट लेकर आए, जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जिन लोगों को लगता है कि सितारा यासीन जो है सिर्फ ये लेकर आई है और सितारा यासीन ऐसा कर रही है, तो सितारा यासीन मेरे ख्याल से शायद वो फर्स्ट बंदी थी जिसने अपनी लाइफ शेयर की, उसके बाद सबने कॉपी करना शुरू कर दिया। फेमस सितारा यासीन हो गई, किस्मत थी, किस्मत चमक गई। बाकी लोग फेमस नहीं हो पा रहे लेकिन वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब ये खातून पूरी की पूरी सितारा यासीन की स्टोरी लेके चल रही है, सेकंड वाइफ आई, मुझे धोखा मिला, फर्नीचर आया सेकंड वाइफ का, उसकी माँ ऐसी, उसका फैमिली वैसी। और मेरे लिए बड़ा ही हैरान था ये देखना कि मतलब आपका अपना कॉन्टेंट कहाँ है, आप लोग अपने बल पे कब चलोगे, कब आप अपना कंटेंट लेकर आओगे। अपना कंटेंट लाइए, आप रिएक्शन वीडियोस भी दीजिए, रिएक्शन वीडियोस बनाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सितारा यासीन के अगर हम नाम यूज करते हैं तो हमारा चैनल चलता है। देखिए आपका कंटेंट है, अगर कोई आपका कंटेंट देख रहा है सितारा यासीन के नाम पे, बहुत सारे चैनल्स वीडियोज बना रहे हैं सितारा यासीन के ऊपर, रिएक्शन वीडियोज बहुत सारे चैनल्स बना रहे हैं, लेकिन हर एक को वो व्यूज नहीं मिल रहे हैं। व्यूज उनको मिल रहे हैं जिनकी बातों से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो यूट्यूबर है उसके ऊपर क्रेडिट जाता है कि वो बात इस तरह अपनी रखता है, वो रिएक्शन इस तरह देता है, वो रिव्यू इस तरह देता है कि उसको लोग देखते हैं। और अगर कोई रिएक्शन चैनल है तो फाइन, वो किसी पे भी रिएक्शन दे सकता है, मैं सब पे रिएक्शन दूंगी, मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं सब पे रिएक्शन दूंगी। मैंने डे वन से एक चीज बोली थी कि मैं एक कॉज को सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्टर हेटर वाली चीज में मैं नहीं पढ़ती। मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जो अपना कंटेंट की बात होती है, जब अपना कंटेंट कोई लेकर आता है तो टाइम लगता है अपने कंटेंट को एक्नॉलेज होने में। मैं मदीहा सईद व्लॉग पे अपना कंटेंट पे काम कर रही हूँ, मैं पहले भी अपने कंटेंट पे काम कर रही थी, फिर एक ऐसी चीज आई, ऐसी ट्रेजेडी हुई यूट्यूब पे कि हम सब खवातीन उस सपोर्ट में खड़ी हो गई। उसके बाद मदीहा से ब्लॉग्स को मैंने सोचा कि मदीहा से ब्लॉग को अपने ब्लॉगिंग के लिए ही रखूंगी, जो जैसे मैं वीडियोस पहले बनाती थी मैं उसके लिए ही रखूंगी, और मैं अपना अलग से मर्दे कलंदर विद मदीहा पे जो अपना रिएक्शन दूंगी, अपने रिएक्शन वीडियोस यहाँ पे अपलोड किया करूंगी। यहाँ पे कॉन्टेंट की बात कर रही हूँ कि मैं अपने कॉन्टेंट पे भी काम कर रही हूँ और मैं रिव्यू भी दे रही हूँ, मैं सब पे रिव्यू दूंगी। तो आज मैं इन खातून पे रिव्यू दे रही हूँ जो खातून सितारा यासीन की एग्जैक्टली कॉपी कर रही है, ये पूरे पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी कर रही है। तो मुझे समझ में आता है कि आप लोग यूट्यूबर बनना चाहते हो या आप लोग कॉपी कैट बनना चाहते हो, आपका अपना कंटेंट कहाँ है, इसको कहते हैं कॉपी करना। ये तो पूरी की पूरी कॉपी हो गई, ये आपकी अपनी लाइफ है भी कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि लोगों को एक बार पता चल गया कि डॉलर्स आ रहे हैं। अब डॉलर्स आ रहे हैं तो डॉलर्स के लिए तो जी आपने कुछ भी कर देना है, अपने जिसे कहते हैं सब कुछ अपना तिया पाछा कर दो, डॉलर्स आ रहे। सितारा यासीन की अपनी लाइफ उसने शेयर की थी, उसकी कॉपी बहुत सारे लोगों ने सेकंड वाइफ का टॉपिक लेकर आए, लेकिन इतनी डिट्टो कॉपी किसी ने नहीं की जो मैंने अभी इन खातून की देखी। मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रही, आप लोग खुद ही सर्च में आपके आ ही जाएगा। वो चीज मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग थी। अब मुझे नहीं पता उनकी रियल स्टोरी है या क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि सेम एग्जैक्ट जो थंबनेल मैंने देखा कि सेकंड वाइफ का फर्नीचर आ गया, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था कि ये क्या, ये तो बिल्कुल कॉपी है। एनीवेज लोग यहाँ पे कॉपी भी करते हैं, फिर सितारा यासीन के खिलाफ बातें भी करते हैं, तो वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अब इसके बाद एक और दो फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो आपस में लड़ रही है। अब जो है वो दो आंटीज आपस में लड़ाई कर रही है और वो बहुत फनी लग रहा है, बहुत ज्यादा फनी लग रहा है मुझे। वो कहीं से भी जैसे कहता है ना सच नहीं लग रहा, बहुत स्क्रिप्टेड लग रहा है। तो आंटीज को मैं कहूंगी के बहुत स्क्रिप्टेड लग रहा है, थोड़ा सा रियल कर ले, ये नहीं हजम हो रहा, नहीं डाइजेस्ट हो रहा। उसका रीजन ये है कि दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, और जो बाजी शमीम है ना, ये इनका काफी ठीक ठाक बिजनेस है और बेबो आंटी जो है इनकी हेल्प करती है, तो ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है। ये जो आप लोग एक फेक सा
आप लोग मेरे ख्याल से ये दिखाना चाह रहे दो बहनों का चल गया, तीन मेरे कॉन्ट्रोवर्सी चल गई, तो अब वही दो बहनों वाला कॉन्सेप्ट लेकर अगर आना चाह रहे तो आप बिल्कुल रियल नहीं लग रहे हैं, यकीन करिए विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा फेक लग रहा है। मैं आपको बताती क्यों, मैंने वारिस शमीम की वीडियो देखी जिसमें कोई लड़की थी, मैंने थोड़ी सी देखी जिसमें लड़की थी, उसने अपने फूले में कपड़े पहन के ना बेबो आंटी की बॉडी का कॉपी करके वो बैठी थी। अब जो खातून जो बेबो जो है ये अपने ऊपर एक बात एक नॉर्मल बात नहीं बर्दाश्त कर पा रही होती है, तो खुद सोचे वो इस तरह उनकी बॉडी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके मुंह से कोई गाली नहीं निकल रही, आपको नहीं लगता है कि ऐसे कैसे हो रहे हैं? इतना फेकनेस और इतना बाजी शमीम बोल रही है और बेबो आंटी इतने तवीज से जवाब दिए जा रही है, ये बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड है। तो बेबो आंटी आपको देख के मुझे बस एक ही गाना याद आता है, अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी, ये आंटी बड़ी ड्रामा क्वीन है। अब ड्रामा क्वीन तो है ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि अभी जो नया ड्रामा आप लेकर आ रही है ना ये बहुत ऑब्वियस दिख रहा है, बहुत ऑब्वियस दिख रहा है कि ये जो है स्क्रिप्टेड चल रहा है। और बाजी शमीम को मुझे समझ में नहीं आया कि शमीम आंटी को हुआ हुआ क्या है जो इस ड्रामे का हिस्सा बनी हुई है, और वो जो लगी हुई वीडियोस बनाने में बहुत फनी लग रहा है, आप दोनों की वीडियोस बहुत फनी लग रही है, पर चले व्यूज तो आ रहे ना, बाकी क्या है, इज्जत क्या होती है, इज्जत तो आने जाने वाली चीज है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना पैसा आने जाने वाली चीज है, कुछ लोगों की इज्जत आने जाने वाली चीज है, तो व्यूज है समेटो, व्यूज है व्यूज के लिए कुछ भी करो, शोहर की पिटाई लगा दो, किसी का भी कॉन्टेंट कॉपी कर लो, कुछ भी कॉपी करके कुछ भी इधर से उधर से जो है वो बना दो, वो जो इमरान कहते हैं ना अक्सर के बिरयानी बना दी चाट मसाला बना दी, तो वही अब मैं देख रही हूँ कि वाकई वैसे ही है, वही सीन चल रहा है। और लिटरली मुझे बहुत हैरत हो रही है कि अपने आप पे भरोसा तो करो, अपने कंटेंट पे भरोसा तो करो, अपनी व्लॉगिंग पे भरोसा करो, टाइम लगेगा व्यूज आ जाएंगे, आएंगे व्यूज, पक्का आएंगे व्यूज, थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा इंतजार करें, यूट्यूबर बने, अपने अंदर क्वालिटीज पैदा करें, अच्छी व्लॉगिंग करें, जो भी आप वीडियोस बनाते हैं वो बनाए वैलिड पॉइंट्स के साथ बनाए, चीजों को ऑब्जर्व करें और देखें और बनाए चीजें, अपनी डेली लाइफ आप दिखा रहे हैं तो दिखाएं, लोग के डेली व्लॉग्स चलते हैं, क्यों नहीं चलते हैं, सबके चलते हैं, मैंने बहुत सारे लोग के देखे चलते हैं, मेहनत करते रहे, यूट्यूब जो है वो शॉर्टकट नहीं है, यूट्यूब शॉर्टकट नहीं कि आप शॉर्टकट लगाओगे और आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज में, एकदम से पैसा नहीं आता, चाहे कितने भी आपको शाउटआउट्स मिल जाए, चाहे कितने भी आप कोलैब कर लो, आगे आपको अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना पड़ता है, तो टाइम लगता है। तो एक जो खातून जो पूरी सितारा यासीन को कॉपी कर रही है कंटेंट को, वो खातून पे मुझे काफी हैरत हुई, और दूसरा ये जो ये दो आंटीज लड़ रही है कैट फाइट कर रही है, इसको मुझे काफी हंसी आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट फनी लग रही है दोनों की, शमी मुझे थोड़ी क्यूट लग रही है क्योंकि उन बिचारी से एक्टिंग हो नहीं पा रही है, पूरी कोशिश करी है लेकिन उन बिचारी से हो नहीं पा रहा है, तो आपके बस की नहीं है, छोड़ दें, समझ में आ गया हमें। चौड़ी साहब आप इतना रुस क्यों जाते हैं, इतना बार बार अपनी बेगम को तंग करते हैं, बुरी बात है, चाहे अपनी बेगम के साथ बैठी है, अगर आपने पहले दिन ही कंट्रोल कर लिया होता तो नौबत आज यहाँ तक ना पहुंचती। जी अपनी वीडियो को मैं यहाँ पे करती हूँ एंड, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।